बोकारो जिले के बेरमो मुख्यालय तेनुघाट अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय तीसरी के प्रधानाध्यापिका संगीता कुमारी के ऊपर स्थानीय उप मुखिया, वार्ड सदस्य सहित अन्य ग्रामीणों ने अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में कई तरह की अनियमितताएं हैं, विद्यालय का संचालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, बच्चे को दिए जाने वाला मध्यान्ह भोजन भी सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय परवेज जफर ने बताया कि विद्यालय में आए हुए विकास मद की राशि का सही ढंग से इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है। हालांकि इधर विद्यालय के प्रधानाध्यापिका ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। और 26 जनवरी का पैसा लगा है, ये सब का शिकायत हमको सुनने मिला तो हम आते हैं यहाँ पर। कितना पैसा लिया गया था बच्चों? और रजिस्ट्रेशन 8 क्लास का रजिस्ट्रेशन का पैसा मांगा गया था प्रिंसिपल से। तो इसके बारे में आपने प्रिंसिपल से बात किए थे? बात की। तो क्या बताए? बोले हाँ मांगे थे लेकिन कोई दिया नहीं, 26 जनवरी का पैसा लिया गया। और यहाँ पर जो अभी महिलाएं जो 60 वर्ष उम्र हो रहा है जिनका, वो भी खाना बना रही, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं बनाना चाहिए। उसी तरह मिला जैसा शिकायत मिली थी, खाना भी वैसा ढंग का नहीं मिल रहा था। खाना मिल रहा था तो खाना ढका नहीं रहता है, उसे इन्फेक्शन होता है, बच्चा का मतलब जमीन जैसे तैसे रहता है। उसके बाद जो निःशुल्क पैसा वसूली कर रहा था मैडम 50 रुपया रजिस्ट्रेशन का, वो भी सच्चाई बात निकला। और सारा सामग्री लेके मैंने कुर्सी टेबल चेयर लिया जो 75,000 का, वो तो देखिए रहे गोमजा प्रखंड। सेम डे में आपका रजिस्टर मेंटेन नहीं है मैडम? रजिस्टर मेंटेन नहीं था लेकिन ऑनलाइन हल्दी दिए थे और मैं BRC निकल गई थी। आपका पुचाड़ा में खर्च हुआ और सारे रिकॉर्ड मैंने स्कूल का सामान और आपका टैग लेकिन मैडम स्कूल के एक साइड में आपका रंग रोगन नहीं हुआ, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पीछे साइड में उधर नहीं हुआ है, उस पर आप क्या कहेंगे? सर सारा अमाउंट हम रंग रोगन में नहीं लगा सकते हैं सर, और भी हमको सामान स्कूल का मेंटेनेंस के लिए लेना होता है। स्वच्छता के लिए भी कुछ रखना है? स्वच्छता के लिए भी है, सारा फिनाइल है।